नमस्कार, SBT न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 जुलाई शनिवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान देश में कानून बनाकर रोजगार एवं पेंशन की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। इससे अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 125 दिवस की रोजगार की गारंटी मिलेगी। वहीं वृद्ध, विशेष योग्यजन, विधवा एवं एकल महिला को प्रतिमाह न्यूनतम 1,000 रुपये पेंशन मिलेगी और इसमें प्रतिवर्ष 15% की स्वतः वृद्धि होगी। इसके लिए शुक्रवार को विधानसभा में राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 ध्वनि मत से पारित किया गया। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने विधेयक को चर्चा के लिए सदन में प्रस्तुत किया और इसमें पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों ने भाग लिया। भारत एवं श्रीलंका ने दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी के विजन के आधार पर आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग समझौता करने के साथ ही श्रीलंका में डिजिटल आर्थिक कनेक्टिविटी करके UPI के क्रियान्वयन एवं द्विपक्षीय व्यापार भारतीय रुपये में करने का आज फैसला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के बीच यहाँ हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की द्विपक्षीय शिखर बैठक में ये निर्णय हुए। दोनों नेताओं ने एकांत में भी बातचीत की और एक साथ दोपहर का भोजन ग्रहण किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव विनय क्वात्रा एवं अन्य अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे। जोधपुर शहर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में झोपड़ियों में रहने वाले कुछ लोग बिजली की लाइन में अवैध रूप से तार डालकर दिन दहाड़े चोरी कर रहे हैं। बिजली विभाग को इससे चपत लग रही है। आसपास के रहने वाले कई लोगों के घरों में बिजली उपकरण भी उड़ जाते हैं। इन सभी की शिकायतों के बाद शुक्रवार को डिस्कॉम की टीम कार्यवाही करने के लिए पहुंची। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उदयपुर यात्रा पर आ रही हैं। राजे 23 की शाम को उदयपुर पहुंचेंगी और अगले दिन 24 जुलाई को लसाड़िया जाएंगी। पूर्व मुख्यमंत्री का आधिकारिक कार्यक्रम जारी हो गया है। तय कार्यक्रम के अनुसार 23 को हेलीकॉप्टर से जयपुर से सीधे चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा पहुंचेंगी। वहां पूर्व मंत्री श्रीचंद्र कृपलानी के जन्मदिन पर होने वाले कार्यक्रम में भाग लेंगी। निम्बाहेड़ा से राज्य हेलीकॉप्टर से दोपहर 3 बजे रवाना होकर 3:20 पर डबोक महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पहुंचेंगी। राज्य अगले दिन 24 जुलाई को उदयपुर से डबोक एयरपोर्ट जाकर वहां से 12:15 बजे हेलीकॉप्टर से लसाड़िया के लिए रवाना होंगी। राजसमंद झील का स्तर 20 फीट के करीब पहुंच गया है। गोमती नदी व खारी फीडर से लगातार पानी की आवक जारी होने के बाद झील का जल स्तर शुक्रवार सुबह तक 19.60 फीट रिकॉर्ड किया गया, जबकि झील का कुल गेज 30 फीट का है। झील की कुल भराव क्षमता 3786 MCFT है और वर्तमान में 2058 MCFT पानी आ चुका है। हालांकि अब पानी का गेज धीमी गति से बढ़ रहा है। प्रतापगढ़ में मॉनसून की तेज बारिश के बीच खेतों में लहरा रही खरीफ की फसलों पर अचानक खतरा कातरा कीट का प्रकोप बढ़ गया है। जिले में मूंग, सोयाबीन, बाजरा सहित कई फसलों के पौधों के पत्तों को कातरा यानी कि कीट चट कर रहा है। कातरा पौधों के पत्तों को निगल रहा है और पौधे जलकर नष्ट होने लगे हैं। ऐसा ही मामला जिला मुख्यालय के कुछ गाँवों में मानपुरा, बसाड़, अरनिया, बड़ी साख थली सहित करीब 10 गाँव में सामने आया। यहाँ अचानक पनपा कातरा लट द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने का किसानों को डर सताने लगा है। राजस्थान नर्सिस संयुक्त संघर्ष समिति सीकर की ओर से कल्याण अस्पताल में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। धरने में चौथे दिन कल्याण अस्पताल एवं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र के 20 नर्सिंग अधिकारियों और वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारियों ने अगुवाई की। 22 जुलाई को नर्सिस धरना स्थलों पर दोपहर 12:15 बजे हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करेंगे। नर्सिस संयुक्त संघर्ष समिति के जिला संघर्ष संयोजक सुखबीर गोरा, सीताराम जांगिड़ व महिला संघर्ष संयोजिका मनोरमा थपलियाल ने बताया कि केंद्र के समान वेतनमान कैडर रिव्यू नर्सिस के लिए अलग निदेशालय की स्थापना को लेकर नर्सिस लगातार लंबे समय से लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने हिंदी फिल्म आदि पुरुष के खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों में चल रही कार्यवाहियों पर शुक्रवार को रोक लगाते हुए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड प्रमाणन रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाएं खारिज कर दी। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदि पुरुष फिल्म को कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला होने का आरोप लगाते हुए इसके CBFC प्रमाणन को रद्द करने की मांग वाली एक अधिवक्ता एवं अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अपना यह आदेश पारित किया। कोटा में बनाए गए रिवर फ्रंट और ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन अब जुलाई के आखिरी सप्ताह के बजाय अगस्त के पहले सप्ताह
की 3 तारीख या दूसरे सप्ताह में संभावित है। इसे देखते हुए यूआईटी भी तैयारी कर रही है। शुक्रवार को कोटा नगर विकास न्यास मंडल की 202वीं बैठक में भी इसे लेकर चर्चा की गई। नगर विकास न्यास चेयरमैन कलेक्टर ओपी बुनकर की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में विभिन्न एजेंडों पर निर्णय कर अनुमोदन किया गया। सिविल एविएशन ने शुक्रवार को कर्ज में डूबी एयरलाइन गो फर्स्ट को फ्लाइट दोबारा शुरू करने के लिए शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। डीजीसीए ने कहा कि गो फर्स्ट एयरलाइन दिल्ली हाईकोर्ट और एनसीएलटी में चल रहे केस के नतीजे के आधार पर अपने ऑपरेशन शुरू कर सकती है। कैश की किल्लत के कारण गो फर्स्ट के ऑपरेशन 3 मई से बंद हैं। एयरलाइन ने 28 जून को एविएशन रेगुलेटर को अपना रिजम्पशन प्लान दिया था। इसकी जांच करने के बाद डीजीसीए ने इसे स्वीकार किया है। अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा की नई टीम का पदभार ग्रहण कार्यक्रम शनिवार को जोधपुर में होगा। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी भी शामिल होंगे। इसको लेकर समाज की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। देश भर से माहेश्वरी समाज के लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और उद्योगपति हरि मोहन बांगड़ भी अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। कार्यक्रम में महासभा के सभापति संदीप काबरा और उनकी टीम कार्यभार ग्रहण करेगी। जयपुर एसटीओ एकता काबरा पर कोर्ट की ऑर्डर शीट बदलकर फैसला एक पक्ष में करने का आरोप लगाते हुए परिवादी ने कलेक्टर को शिकायत की है। परिवादी ने आरोप पत्र में एसटीओ पर अपने ही ऑर्डर को बदनीयति से बदलकर उसकी जगह दूसरे ऑर्डर लगाकर एक तरफा फैसला सुनाने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता और परिवादी सेवाराम ने बताया कि जमीन के मामले पर उसका रूप नारायण नाम के व्यक्ति से विवाद चल रहा है। ये विवाद साल 2022 में एसटीओ कोर्ट में गया और तब से उस पर लगातार सुनवाई चल रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में शुक्रवार को चूक हो गई। नूर आलम नाम का एक शख्स कार लेकर ममता के कालीघाट से घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। पकड़े गए शख्स की कार से एक बंदूक, एक चाकू और गांजा बरामद किया गया है। घटना के वक्त ममता बनर्जी घर पर मौजूद थी। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल ने बताया कि आरोपी की कार पर पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था। उसके पास बीएसएफ और दूसरी एजेंसियों के कई आईडी कार्ड भी मिले। आरोपी का कहना था कि वो सीएम से मिलने आया था। अजमेर में मुहर्रम के लिए कार विश्राम स्थली पर जायरीन की आवक शुरू हो गई है। करीब 100 से ज़्यादा बसों और एक दर्जन निजी वाहनों से जायरीन अजमेर पहुंचे। उधर दरगाह के छतरी गेट सहित लंगर खाना गली और विभिन्न इलाकों में मरसियाखवानी और बयान शहादत का दौर जारी है। विश्राम स्थली पर साफ सफाई, बिजली पानी, चिकित्सा, डेयरी, लाउडस्पीकर और अन्य इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न इलाकों से बसों और अन्य वाहनों से जायरीन विश्राम स्थली तक पहुंच रहे हैं। विश्राम स्थली में अस्थायी दुकानें भी लगाई गई हैं। विश्राम स्थली पर दूर दराज से आए जायरीन ने जुम्मे की नमाज में शिरकत की। राजस्थान में नगर निगम जयपुर हेरिटेज ने सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध कार्यवाही कर व्यापारियों से 14,500 रुपये कैरिंग चार्ज वसूल किया। हेरिटेज महापौर मुनेश गुर्जर ने बताया कि निगम स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के मद्देनज़र शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने के लिए हर कदम उठा रही है। इसके तहत उपायुक्त स्वास्थ्य आशीष कुमार के निर्देशन में स्वास्थ्य दस्ते ने गुरुवार को सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध कार्यवाही कर व्यापारियों से 14,500 रुपये कैरिंग चार्ज वसूल किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।